ग्रीन टी पे जो पिछली वीडियो थी वो आप लोगों ने बहुत पसंद करी थी, तो इस तरह के लूज लीव्स के बारे में बात कर रहा था जो कि ग्रीन टी के आते हैं। टी बैग्स के मुकाबले ये बहुत ही सस्ता पड़ता है, 250 ग्राम्स ये 250 रुपीज़ का आएगा, 275 MRP है, लेकिन अमेज़ोन पे आपको 250 का मिल जाएगा। तो ये मिलता मुश्किल से है, लेकिन अमेज़ोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने लिंक्स आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में भी दे दिए थे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस प्रोडक्ट के मैंने लिंक्स आपको दे दिए। और इसमें आप देख भी सकते हैं कि चाय की क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये इसके लीव्स का आप साइज़ देखिए, जो टी बैग्स में क्योंकि जनरली जो पाउडर होता है वो फिल कर देते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको बेटर फ्लेवर चाहिए लूज ग्रीन टी ही लीजिए, ये आपको सस्ता पड़ेगा और इसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस करा है जो टी बैग्स होते हैं उसमें उतना फ्लेवर नहीं मिलता। इसमें आप साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है इसके पत्तों का। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने सवाल पूछे मेरे से, अब मैं वो लूँगा कि ये वेट लॉस के लिए कितना अच्छा है। तो अगर आपको मैक्सिमम वेट लॉस करना है तो आपको किसी भी तरह की इस तरह की बेवरेज छोड़नी पड़ेगी, यानी कोई भी चाय आप नहीं पी सकते अगर आप सच में वेट लॉस करना चाहते हो। क्योंकि इसको भी थोड़ा सा पियोगे, मैं मानता हूँ इसमें कोई कैलरीज नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन इसको बिना चीनी के बहुत ही कम लोग पीते हैं, और अगर चीनी इसके साथ लेते हैं तो थोड़ा सा उसमें कैलरीज ऐड हो जाएगी। और कुछ लोग मैंने देखा है ग्रीन टी के साथ भी स्नैक्स खाते हैं, तो वेट लॉस का तो मुझे पता नहीं कि कितने सीरियसली आप इसको कर पाते हैं। जो भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो नॉर्मल टी होती है उसके मुकाबले सुपीरियर है। और जनरली क्या होता है, बहुत सारे इसके साथ हेल्थ बेनिफिट्स बताती है कंपनी की, जी आपकी स्किन अच्छी होगी, आप गोरे हो जाओगे और भी 50 तरह की बात। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए ग्रीन टी ले रहे हो कि आप गोरे हो जाओगे या आप पतले हो जाओगे, तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि उसके लिए और भी तरीके हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल आप बनाओगे तो उससे आप ये सारे जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो अचीव कर लोगे। सिर्फ ग्रीन टी से बस ये होता है कि आप जो नॉर्मल ब्लैक टी पी रहे हो, क्योंकि वो नुकसान देती है, कॉफ़ी हो गई ब्लैक टी हो गई, तो उसके मुकाबले एटलीस्ट आपने एक चीज़ कम नुकसानदायक आपने पिक करी है। अगर आप कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी तो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और उससे येलो टीथ भी होते हैं, तो बहुत सारे चीज़ें हैं कॉफ़ी की वजह से। जनरली उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं खुद कॉफ़ी बहुत पसंद करता था पहले, लेकिन वो इतनी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं है। और वैसे भी जो जब हम कॉफ़ी लेते हैं तो उसका एकदम ना शुरू में एकदम से सारा उसका बर्स्ट मिलता है, कंसिस्टेंट नहीं होता कि आपका, अगर आपने अभी कॉफ़ी पी तो अगले एक घंटा आपका अच्छा बीतेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपकी आँख बंद होने लगेगी। तो एकदम से जो क्रैशिंग सिम्टम होता है वो कॉफ़ी में होता है। टी थोड़ा सा मैंने देखा है कि इसका रेगुलर होता है, एकदम पीते ही ऐसा नहीं कि एकदम आँखें खुल जाए, लेकिन काफ़ी देर तक इसका इफेक्ट चल जाता है। ग्रीन टी लेते हैं तो आप एटलीस्ट 4-5 घंटे तो इफेक्ट चल ही जाता है। बात रही इसके फ्लेवर्स की, अलग अलग तरीके के फ्लेवर आते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितना सिंपल हो सके आप उतना लीजिए। प्योर एंड लाइट फ्लेवर है इसका, मतलब कोई फ्लेवर ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये, सिर्फ ग्रीन टी है। क्या होता है फ्लेवर में आर्टिफिशियल चीज़ें ऐड होती जाती हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हमेशा महंगी हैं, तो आप फिर एक तरह से हेल्थ बेनिफिट्स आपको कम हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी फ्लेवर पसंद आता है जैसे हनी या लेमन आप चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें लेने के बजाय आप नेचुरली ऊपर से डाल सकते हैं, जैसे लेमन डाल दिया या हनी डाल दिया, उससे एक तरह से आपके हेल्थ और अच्छी होगी, क्योंकि नेचुरल चीज़ आप डाल दें इसमें फ़्लेवर लेने के बजाय ऊपर से, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा और फ्लेवर भी ज़्यादा मिलेगा आप ऊपर से हनी डालते हैं या कुछ भी डालते हैं। मैं पर्सनली तुलसी डाल के बॉयल करता हूँ पानी को, तो उसमें फ़्लेवर आ जाता है, मुझे ये पसंद आता है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं 0 कैलोरीज तब है जब बिना मिल्क और शुगर के आप इसको पियेंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है क्योंकि पत्तों में किसी भी तरह की कैलोरीज नहीं होती। कई लोगों को गलत फहमी होती है कि ग्रीन टी में कैफीन नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है, कैफीन इसमें भी होती है, लेकिन कम अमाउंट होती है। जो कॉफ़ी होती है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट होती है कैफीन की, तो ये बाकियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट इसका है। आपको जिस भी ब्रांड की ग्रीन टी मिले हमेशा लूज़ ही लो, मैंने आपको बताया, क्योंकि जैसे टी बैग्स अनहेल्दी होते हैं उससे कैंसर होता है, क्योंकि जो उसका कपड़ा होता है, कपड़ा तो होता नहीं टेक्निकली, सिंथेटिक मटेरियल होता है, वो बहुत ही नुकसान देता है, उसमें कई सारे केमिकल्स होते हैं, इसलिए मैंने आपको टी बैग्स यूज़ करने को मना करा। अगर आप ग्रीन टी सिर्फ इसलिए पी रहे हैं कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, देखो नॉर्मल टी के मुकाबले बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपको अल्टीमेट हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए तो यार कोकोनट वाटर हो गया,
लस्सी हो गई, छाछ हो गया, वो अल्टीमेट बेनिफिट है। अगर आप इसके बजाय वो चीज़ें पियोगे तो ज़्यादा आपकी सेहत बनेगी। क्योंकि मैं सिर्फ अपने चैनल पर सच बताना चाहता हूँ आपको, किसी प्रोडक्ट को मैं ज़बरदस्ती प्रमोट करके पैसा नहीं कमाता। आपने मेरे से सच पूछा, मैंने आपको सच बताया। अल्टीमेट बेनिफिट्स चाहिए, कोकोनट वाटर, लस्सी, छाछ, उस तरह की चीज़ें पियो। और बात रही मेरी, मैं पर्सनली पसंद करता हूँ ग्रीन टी, क्योंकि क्या है बिना ग्रीन टी के थोड़ा मैं काम नहीं कर पाता, दिमाग का काम करना पड़ता है मुझे, तो थोड़ा सा कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए होता है। कॉफ़ी के बारे में तो मैं बता ही चुका, और नॉर्मल ब्लैक टी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती, तो इसलिए मेरे लिए तो यही है। कोई और आपके सवाल है कमेंट से ज़रूर पूछिए, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में कवर कर लूँ।